हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सरी प्लांट गुरुजी में। आज की जो हमारी टॉपिक है लकी बम्बू से रिलेटेड, तो इस वीडियो के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये हमारा गुडलक प्लांट जो है इसे कैसे लगाया जाए और कैसे इसे रखा जाए और किन किन जगहों पर रखा जाए ताकि हमारा पौधा स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और घर का पॉजिटिविटी एनर्जी सदा बना रहे। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे इस पौधा को लगाना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आप पौधे को नर्सरी से या कहीं बाज़ार से ख़रीद करके जब भी आप लाते हैं तो सबसे पहले आपको करना है दोस्तों कि एक प्लेट ले ले या एक कटोरी इस तरह का ले ले, इसमें कुछ पानी ले ले, ठीक है। और इस पानी में आप दोस्तों यह देख रहे होंगे साफ़ पाउडर है दोस्तों। ये साफ पाउडर या फिर आप दालचीनी को बारीक थोड़ा पीस लें और बारीक पीस करके उस बारीक पीसे हुए पाउडर को इस पानी में घोल लें और घोल कर हमारा ये जो लकी बम्बू ट्री जो है तो इसमें अच्छी तरह से पहले मिला लें, घोल लें। घोलने के बाद इसके जड़ को आसानी से ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथों से ऐसे धो लें और इस तरह से धो लेने के बाद कुछ जो है कि आप इस तरह से इसको पौधे को नहला भी दें ताकि इससे होगा क्या कि जो भी फंगस लगे होंगे और जो भी इस तरह का फंगस होगा वो मर जाएगा, डेथ कर जाएगा। तो इस तरह से नहला करके धो करके आप एक घंटे या आधे घंटे लगभग इस तरह से आप पानी को उसी पानी में आप छोड़ दें और छोड़ने के बाद पौधा को अब आप जिस पॉट में आप लगाना चाहते हैं उस पॉट में आप पौधे को शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप जैसे सपोज कीजिए कि हमारा ये आधा घंटा डूब चुका है, ये साफ़ हो गया है, पुनः फिर से ऐसे धो लें, अच्छी तरह से धो लें जड़ को। और धो लेने के बाद में अब जो पॉट है, पॉट में जो हमारा जो पत्थर अगर पहले से है तो पत्थर को भी इसी बर्तन में डाल करके अच्छी तरह से धो लें। जैसे हमने ये इसको डाल दिया इस पत्थर को और डाल करके अच्छी तरह से इसको धो लिया और धो करके पुनः फिर जो है कि इसको अगर धूप में सुखा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर धूप में नहीं सुखा पाते हैं तो आप इन पत्थर को अगर सुखा लेते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो भी फंगस लगे होते हैं मर जाने के बाद धूप में जब रख देंगे तो वह पूर्ण रूप से वो फंगस जो है कि हमेशा के लिए वो चला जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसे इस तरह से पत्थर को हम डाल लेंगे पुनः और डाल करके और पौधा को दोस्तों अब इसमें हम शिफ्ट कर देंगे। इसमें आप कोशिश करें कि इस पॉट में मिनरल वाटर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा और उस मिनरल वाटर को सप्ताह में एक बार तो ज़रूर ही साफ करें, उस पानी को बदल दें। कहने का मतलब ये हुआ कि पानी को आपको सप्ताह में एक बार दोस्त बदलना ही बदलना है। और जब भी आप बदलें तो इस तरह से सर्फ या किसी साबुन की सहायता से आप बर्तन को अच्छी तरह से धो लें, साफ कर लें और तभी पौधा के लगाएं। इस तरह से दोस्तों अब आपको इसमें डाल देना है और डाल करके इस तरह से डाल करके और मिनरल वाटर हमने दोस्त लिया है और इस मिनरल वाटर को सिर्फ जड़ भीगने तक ही इसमें हम पानी को रखेंगे। ऐसा नहीं है कि पानी पॉट को पूरा भर ले, तो पानी को अगर भर लेंगे पॉट से तो दोस्तों हमारा फिर से जो है कि फंगस लगना शुरू हो जाएगा और वह जो है कि सड़ना शुरू हो जाता है। तो ये गलती भूल करके भी ना करें, पूरे पानी न भरें और सप्ताह में पानी आप ज़रूर चेंज करें। चेंज करने के बाद आप ऐसे जगह इस पौधा को रखें जो कहा जाता है जैसे कि यह इंडोर प्लांट है। अच्छी बात है, इंडोर प्लांट है तो इंडोर का मतलब ऐसा नहीं होता है कि सर बिल्कुल इसको घर में कमरे में इसको रखें, नहीं वैसा नहीं होता है। कुछ प्रकाश का सनलाइट जो हुआ वो कुछ मिलना चाहिए, स्वच्छ हवा मिलना चाहिए, है ना। इस तरह से ज़रूर वैसे जगह रखें जो कि पौधे को कुछ सनलाइट मिले
और अंदर बाहर जो हवा हो रही है वैसे जगह पर रखें और रख करके और इसको हम लगाएं दोस्तों। तो इस तरह से हमें रखना है। और इस कहा जाता है दोस्तों कि यह पौधा को घर में रखने से घर में बहुत ही उन्नति होता है। उन्नति का मतलब कि हम जैसे नहीं होता है, जैसे हम विकास की प्रगति पर हैं, तो यह माना जाता है कि यह धन बढ़ाने की एक पौधा है। नहीं दोस्तों, यह गलत धारणा है। जब तक हम काम नहीं करेंगे दोस्तों, या कोई मेहनत नहीं करेंगे, पैसा कमाने का कुछ वैसा स्रोत नहीं बनाएंगे, तो दोस्तों हम कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं और नहीं आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए अगर उस तरह की होता तो लोग घरों में ढेर सारा पौधा लगा करके रख देते और अपने आप दोस्तों यह पौधा की सहायता से हम धन का अंबार बना लेते। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। यह पौधा रखने से ये माना जाता है कि जैसे घर की उन्नति हो तो हमारा पौधा भी विकास करता है, बढ़ता है। तो बस सिर्फ आप इतना ही मान्यता रखें कि यह माना गया है, लेकिन आप ऐसा ना करें कि वह जो है कि हम पौधा घर में रख देंगे और हमारी तरक्की होगी, हमारी बढ़ोतरी होगी, वैसा कुछ नहीं होता है। तो आप समझ ही गए होंगे पौधा को कैसे लगाना है, कहाँ रखना है और किन किन बातों को ध्यान देना है। इस तरह से आप अगर करते हैं दोस्तों, तो आपका पौधा कभी डेथ नहीं करेगा, कभी मरेगा नहीं और हमेशा स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग तो इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगला वीडियो में।